चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद लगता है चांद पर जाने की पूरी दुनिया में होड़ सी मच गई है। जापान का मून मिशन चांद के सफर पर निकला हुआ है, अगले साल फरवरी में लैंड करेगा। अगले साल ही अमेरिका चांद पर इंसानों को भेज रहा है। चीन अपना चांग E6 भी अगले साल भेजने वाला है। रूस अभी हाल ही में लूना 25 के सहारे से साउथ पोल पर चंद्रयान 3 से पहले उतरना चाहता था, लेकिन आपने कभी सोचा है चांद पर सबसे पहले पहुंचने की ये होड़ क्यों मची हुई है? और कोई देश जिस जगह चांद पर उतरा वो ये कह सकता है ये हमारा है क्योंकि ये हमने ढूंढा है? आसान भाषा में समझे तो क्या कोई देश चांद पर कब्जा कर सकता है, और क्या भविष्य में चांद पर भी जब इंसानी बस्ती बसेंगी तो क्या वहां भी पृथ्वी जैसे देश होंगे? आइए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब। चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर सबसे पहले उतरकर इतिहास रच दिया। इंडिया इज ऑन द मून। उसके बाद रोवर ने 10 दिन चांद की सतह पर चलकर कभी ना मिटने वाले इसरो और अशोक स्तंभ के निशान बना दिए। आज भले ही लैंडर और रोवर गहरी नींद में सो गए हों, लेकिन चांद के साउथ पोल पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान हमेशा मौजूद रहेंगे और सालों तक ऐसे वहीं खड़े रहेंगे, यानी सबूत रहेगा भारत इस एरिया में उतरा था। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या चांद का भी कोई मालिक हो सकता है? क्या भारत चांद के साउथ पोल पर अपना झंडा गाड़कर ये दावा कर सकता है कि भाई ये तो अब हमारा है क्योंकि इसे सबसे पहले हमने खोजा है? जैसा आप देखते हैं पृथ्वी पर तो अब तक तो जमीन के एक टुकड़े पर राष्ट्रीय झंडा लगाकर उस पर मालिकाना हक का दावा किया जाता रहा है, लेकिन क्या ऐसा चांद पर संभव है? इस पर दुनिया दो तरह के विचारों में बंटी है। अमेरिका और यूरोप जैसे देश फाइंडर्स कीपर्स नीति में विश्वास करते हैं, यानी जिसने ढूंढा वो ही रखे। अगर ये नीति के अनुसार चले तो भारत भी चांद पर अपना हक जमा सकता है, यानी साउथ पोल का हिस्सा भारत का हुआ। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। इसका लंबा जवाब 1967 में संयुक्त राष्ट्र की आउटर स्पेस ट्रीटी से मिलता है। शीत युद्ध के चरम दौर में अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और भारत ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। इसमें खास तौर से चांद को लेकर ये कहा गया था कि कोई भी देश चांद पर हक नहीं जता सकता। समझौते में ये भी कहा गया था कि चांद पर सभी देशों को खोज और उपयोग करने की इजाजत है, लेकिन ये सभी देशों के हितों में किया जाएगा। आसान शब्दों में चांद सभी का है और इसलिए किसी एक का नहीं है। 1967 में बड़ी अंतरिक्ष शक्तियों ने इस पर हस्ताक्षर किया क्योंकि तब उन्हें लगता था कि चांद के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन असल में मुमकिन नहीं है। इसी वजह से 50 साल पहले जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर अमेरिकी झंडा लगाया तो इसका मतलब ये नहीं था कि चांद अमेरिका का हो गया। आर्मस्ट्रांग के चांद पर उतरते समय का शब्द यानी इंसान का एक छोटा कदम मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग, साफ साफ समझाता है कि ये न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे इंसानी समुदाय के लिए एक बड़ी बात थी। लेकिन आज चांद में अचानक नए सिरे से दिलचस्पी बढ़ी है, चाहे वो अमेरिका हो, नासा हो, टेस्ला, स्पेस एक्स और ट्विटर के मालिक एलन मस्क हो, चीन हो, जापान हो या फिर रूस, सभी ने हमारे इस आसमानी पड़ोसी पर अपनी नजरें गढ़ा दी हैं। पर क्यों? वजह वही है जिसके लिए चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 पर सरकार ने 615 करोड़ रुपए खर्च किए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि चांद की सतह पर क्या क्या मौजूद है, और चंद्रयान 3 इसमें सफल भी रहा।
चंद्रयान 3 ने हमें बताया कि चांद के साउथ पोल पर एल्यूमिनियम, सल्फर, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन शामिल है। अब अगला कदम भारत का इन संसाधनों को हासिल करना होगा। आज अमेरिका और रूस ने चांद को साझा विरासत मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब चांद पर मौजूद संसाधनों को हासिल करना मुमकिन दिख रहा है। वैसे तो जैसा हम आपको बता चुके हैं कि संधि के अनुसार अंतरिक्ष या फिर चांद पर किसी भी चीज पर किसी एक देश का अधिकार नहीं हो सकता, लेकिन इसके बाद भी शोध के लिए देशों को कई तरह की छूट मिली हुई है। मसलन, अगर कोई देश चांद या किसी एस्टेरॉयड पर माइनिंग करता है तो उससे निकली हर चीज उसकी होगी। अंतरिक्ष में कई तरह की बेशकीमती धातुएं हैं, जैसे प्लैटिनम और हीलियम 3, सोना और कीमती हीरे। अमेरिका, चीन और यूएई जैसे कई देश अब खुदाई करके इन चीजों पर कब्जा चाहते हैं, हालांकि ये उतना आसान नहीं। दूसरे ग्रहों पर माइनिंग बेहद खर्चीली और जोखिम से भरी प्रक्रिया होगी। अंतरिक्ष या फिर चांद पर खनन के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है तो बेशुमार फंडिंग की, जो पृथ्वी के बाहर खुदाई के लिए जरूरी उपकरण, मशीनें, रॉकेट, तकनीक, ऊर्जा के स्रोत पर शोध करने में मदद कर सके। इस उद्देश्य की सबसे बड़ी जरूरत ही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। ज्यादातर बैंक, कंपनियां या दौलतमंद लोग इस मिशन पर पैसा फूंकने में हिचकिचाते रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पेस माइनिंग में पैसा लगाना दुनिया का सबसे महंगा सौदा साबित होने के बाद भी मुनाफे की गारंटी नहीं देता। साथ ही ये दलील भी दी जाती है कि अगर स्पेस में खनन से भारी मात्रा में बहुमूल्य चीजें मिलने लगे तो उनकी कीमत ही खत्म हो जाएगी। स्पेस के लिए बने कानून किसी भी देश को अंतरिक्ष की कोई भी चीज खरीदने बेचने पर रोक लगाते हैं, फिर चाहे वो चांद हो या मंगल। लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनियों का कहना है कि कानून देशों को जमीन खरीदने से रोकता है अगर व्यक्तिगत तौर पर लोग अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए जमीन लेना चाहें, तो इस पर रोक के लिए कोई संधि नहीं। यही वजह है कि एलन मस्क मंगल पर तो बाकी देश चांद पर कॉलोनी की बात करते हैं। यानी साफ है, चांद और अंतरिक्ष को लेकर अभी कोई भी नियम साफ नहीं है। भविष्य में अपने फायदे के आधार पर नियम बनेंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं। साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।